बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। ऑटो और डीसीएम में जोरदार भिड़ंत हुई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हरदोई से आ रही है। हादसा हुआ है, 10 की मौत, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, ये बड़ी जानकारी आ रही है। वो आपको बता दें, बिलग्राम स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा। डीसीएम अनियंत्रित होकर ऑटो पर पलटा, ये बड़ी खबर आपको बता दें। ऑटो और डीसीएम में जोरदार भिड़ंत हुई है, 10 की मौत हुई है, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। हादसा, दर्दनाक हादसा हुआ है, बिलग्राम स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है घायलों को। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है, डीसीएम अनियंत्रित होकर ऑटो पर पलटा है और ऑटो में सवार थे लोग जिनकी मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ऑटो पूरी तरीके से इसके पर खचे उड़ गए हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, 10 की मौत की खबर जो है वो यहां पर आई है इस हादसे में। तो डीसीएम ऑटो पर पलटा है, बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है, 10 की मौत हो गई है मौके पर, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दर्दनाक हादसा हरदोई में हुआ है, तो ऑटो और डीसीएम में जोरदार भिड़ंत हुई है, ये दर्दनाक हादसा हुआ है, 10 की मौत हो गई है, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर। जगापुर से जाए रहना इजामपुर, नहीं नहीं जगापुर में बैठा रही गए हैं हम। लड़का पहुँचन दे दे पान पहुँच को दे रहे हैं। कौन थी तुम्हारी जट हुई? मेरी बीवी थी, मेरी लड़की थी। कैसे जानकारी तुमको हुई? फोन गया था यहाँ से, सरनी सर जी ने दिया था फोन। क्या होता? बोला वहाँ एक्सीडेंट हो गया तुम्हारी बीवी का। लगभग 12:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि बिलग्राम माधवगंज रोड पे एक मोड़ पड़ता है, उस मोड़ पे डीसीएम और ऑटो का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, रेस्क्यू किया गया, हॉस्पिटल में उनको लाया गया, तो उसमें 10 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है जिसमें 6 महिलाएँ शामिल हैं, 3 बच्चे शामिल हैं और 1 पुरुष शामिल है। 10 लोगों की मृत्यु हुई, 4 लोग घायल। इसमें जब डॉक्टरों से भी बात हुई थी तो उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी उनको बेटर उपचार के लिए जिला हॉस्पिटल उनको रेफर किया गया, एम्बुलेंस से भेजा जा रहा है उनको। बाकी जो कैजुअलिटी हुई उनके घर वालों को हम लोग सूचना दे रहे हैं जिससे कि वो आ जाए यहाँ पे देख लें। बाकी जो डीसीएम है उसको पुलिस ने तत्कालिक कब्जे में ले लिया था। बाकी जो भी बातें हैं, क्या मेन कारण रहा जिससे एक्सीडेंट हुआ, मैं मौके पर गया था तो लोगों ने ये बताया कि एक मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में डीसीएम का इस ऑटो के साथ एक्सीडेंट हुआ, उसको भी हम लोग जांच कर रहे हैं। और पहली प्राथमिकता ये है कि जो घायल है उनको अच्छा उपचार मिले जिससे उनकी जान बच सके, और परिजनों को, मृतकों के परिजनों को सूचना दी जाए जिससे कि वो यहाँ पर आके देख। और संवाददाता आसिफ हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, कब और कैसे हुआ यह हादसा, घायलों की हालत कैसे बताई जा रही है? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा भीतर जो हादसा हुआ है ये बिलग्राम में हीरा रोशनपुर गांव पड़ता है, वहां पे हुआ है, जो कि डीसीएम बिलग्राम से और कानपुर की तरफ जा रही थी और माधवगंज से ऑटो आ रहा था, उसी में दोनों की भिड़ंत हुई जिसमें लगभग 10 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि जिसमें जिला अस्पताल में 5ों को भर्ती कराया गया था, उसमें से 2 लोगों को जिला हरदोई लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है और 1 की यहाँ हरदोई मेडिकल कॉलेज में मौत हो चुकी है। जी, हादसा हुआ कैसे था, किसकी गलती बताई जा रही थी, कोई जानकारी भी प्रथम दृष्टि में मिल पाई है? जी, एक मोटरसाइकिल को बचाने के चलते जो है ऑटो दूसरी साइड में पहुंच गया जिससे जो है ऑटो और डीसीएम की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई थी और ऑटो जो था वो रोड पे पलट गया जिससे सभी की मौत हो गई। अभी कितने लोगों की मौत की पुष्टि हुई है? अभी तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 4 लोग जो घायल है उसमें 2 का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और 2 को लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। आसिफ, अभी फिलहाल लापरवाही किसकी बताई जा रही है, क्या ये जो मृतक हैं सब ऑटो में सवार थे? जी हाँ, ये जितने भी सभी लोग हैं, लगभग 15 लोग जो है वो ऑटो में ही सवार थे।
और उस जिससे ये हादसा हो पाया। मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और घायलों के उपचार को लेकर अस्पताल में प्रबंध किए गए हैं क्या? जी हाँ, एसपी ने मौके पर पहुंच के जायजा लिया था और अभी डीएम ने हरदोई मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर निरीक्षण किया और घायलों का हाल जाना और दो को जो है लखनऊ रेफर कराया है। गिरफ्तारी हुई है क्या इस मामले में किसी की? नहीं, डीसीएम चालक तो मौके से फरार हो गया था, जबकि पुलिस ने डीसीएम को कब्जे में ले लिया है और जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आसिफ। दर्दनाक हादसा हुआ है।